कि जब शाबान की आखिरी तारीख होती है और अभी रमज़ान की बरकात यानी मगरब के बाद शुरू नहीं हुई होती, तो औलिया अल्लाह ने फरमाया कि हमें नज़र आया कश से या उन्होंने जो भी अल्लाह पाक ने उनको इल्म दिया, ये तो तयशुदा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वसीले से मिला। लेकिन वैसे आपको और बात बता रहा हूँ कि फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सीना मुबारक से एक ऐसा नूर की ऐसी नूर की किरण निकलती है कि जो सीना मुबारक से निकलती है और जाके आसमानों से जाके टकराती है। वो आसमानों के लिए ऐसी होती है जैसे चाबी होती है दरवाजे के लिए, वो लगती है जाके तो रमज़ान की बरकात और रहमतों का उतरना, बरकतों का उतरना, आसमानों के दरवाजे खुलना, जन्नत के दरवाजे खुलना, ये शुरू होते, वरना वो बंद रहता है। जैसे आपने बिला तशबीह हो बिला मिसाल, मतलब कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, कोई बहुत बड़ी पार्टी होती है, तो बाज़ मरतबा जो अहम बंदा होता है वो कहते हैं जी वो आ जाए तो फिर जो है मामलात शुरू होंगे, फिर अपना शुरू, तो वो आ जाता है तो कहते हैं जी आप शुरू कर दो मामलात सारे, खाना खोल दो और जी मतलब है ये कर दो, बयान शुरू हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो याद रखें ज़मीन व आसमान में अल्लाह का जल्ला जलालहू के बाद अल्लाह पाक ने ऐसी हस्ती पैदा नहीं की जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से। तो जो भी मामला हो, रमज़ान शुरू होना हो, कुरान शुरू होना हो, जो भी, तो जब तक वो आप अलैहिस्सलाम की का फैज़ अल्लाह पाक उनके ज़रिए बताया ऐसे नूर की किरण निकलती है आसमान से जाके टकराती है, तो फिर रमज़ान शुरू होता है, रमज़ान की बरकतें शुरू होती हैं। तो ये रमज़ान हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नूर की एक किरण है।